हम खुद बहुत उदास, दिन भर उदासी ही उदासी, क्षण प्रति क्षण बढ़ने वाली उदासी। मैं परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को प्यार करता ही नहीं। यदि किसी बंदे की सेवा भी करता हूं तो परमात्मा का रूप देख के। मैं किसी बंदे की सेवा नहीं करता, अपने परिवार की सेवा नहीं करता, संसार की सेवा नहीं करता। इनके लिए जो कुछ भी करता हूं नारायण समझ के करता हूं, परमात्मा समझ के करता हूं। बड़ा आश्चर्य है, मेरा नाम इस सूची में नहीं है। मेरा तो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से प्यार है ही नहीं। भक्त के रोगों को कौन समझ सकता है? सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ सकता कि क्यों उदास रहा है। कोई वैसा ही भक्त होगा तो वह समझेगा, डायग्नोज करेगा कि इसको क्या रोग है लगा हुआ, प्रेम रोग लगा हुआ है इसे। नबज मेरी को देख के बोला, यो तबीब, ये मरीज इश्क है, इसकी दवा पर्दे में हो। और दुकान शेठ रामसिंह जी, नबज मेरी को देख के बोला, यो तबीब, तबीब हकीम को कहते हैं जो तुम्हें, ये मरीज इश्क है, इसकी दवा पर्दे में हो, अलग से छुपा के इसका इलाज किया जाए। भक्त के रोग को कोई भक्त ही डायग्नोज कर सकेगा। लोग पूछते हैं, कुछ कहता नहीं है, दिन भर उदासी में व्यतीत हुआ, ये भक्त की उदासी है। मैं परमात्मा के अतिरिक्त किसी से प्यार करता नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा की भेजी हुई सूची में मेरा नाम तक नहीं है। कहीं टेल एंड पर भी होता, कहीं अंत में भी होता तो मुझे तसल्ली होती कि परमात्मा को मेरा नाम याद है, एक प्यार करने वाले का नाम याद है। दुखी मन सो गया, नींद आई नहीं आई, ऐसों को नींद भी नहीं आती, झपकी लगी फिर स्वप्न हुआ, फिर देवदूत आए, आज भी हाथ में सूची। पूछा, किस लिए आए हैं मेरे पास? भक्त ने पूछा, निराश है अंदर से। कहा, आज मेरे पास दूसरी सूची है, मेरा नाम तो इसमें भी नहीं होगा ना, तो जिनके जिनका नाम है उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? नहीं भक्त, इसमें तेरा नाम है। क्या ये भी उन्हीं की सूची है जो परमात्मा से प्यार करते हैं? नहीं, ये उनकी सूची है जिनसे परमात्मा प्रेम करता है। इसमें भक्त तेरा नाम सबसे ऊपर है। ये उपलब्धि है भक्तजनों, राम नाम के उपासक हो ना, इससे कम में समझौता नहीं करना। इतनी प्रीति करो, वह कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि परमात्मा प्रेम करने लग जाए, बस फिर जिंदगी में और कुछ करने योग्य नहीं रहेगा। या भजन पाठ करते हो, नाम जपते हो, ध्यान में बैठते हो, सेवा करते हो, सत्कर्म करते हो, तरह तरह की पूंजियां इकट्ठी करते जा रहे हो, मात्र इसलिए ना किसी भी बहाने परमात्मा मेरे अनुकूल हो जाए, किसी व्यवहार ने परमात्मा मुझे प्रेम करने लग जाए। आंसू बहाते हो, रोते हो, बिलखते हो, अपने प्रेम के चिन्ह दिखा रहे हो, या इसलिए उदास हो, वह दिन कब आएगा जब परमात्मा मुझे अपना कहेगा, कहेगा मैं तेरे से प्यार करता हूं। वेट टिल दैट, तब तक साधना जारी रखिएगा। आज के लिए सत्संग ध्यान में अध्याय किस बात की होती है? विश्व रूप दर्शन। कल बार में अध्याय शुरू होगा। कुछ दिन पहले आपसे अर्ज की थी,
इस अध्याय के लक्ष्य अधिक सारे होंगे, पर मुझे जो लक्ष्य लगता है वह ये छोटी बुद्धि का, मुझे ये लगता है अर्जुन के माध्यम से हम सबके अंदर छिपा हुआ अभिमान, कर्तव्यपन का अभिमान, कर्तृत्व छोटे से लेकर बड़ा परमात्मा निकलना चाहता है। वहां डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है परमात्मा, गुरु डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, ये विश्व रूप अपना दिखाया है, कोई पिक्चर नहीं दिखाई, कोई सीन नहीं दिखाया, इसके पीछे बहुत बड़ा अभिप्राय है, उद्देश्य है। वह ये कि वे सब कुछ देख के तो उसके अंदर जो कर्तापन का अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, मैं इसको मारूंगा कैसे मारूंगा, द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूंगा, भीम को मैं कैसे, भीष्म पितामह को मैं कैसे मारूंगा जिनकी गोद में मैं खेला हुआ, ये कर्तापन उसके अंदर बड़ा हुआ है और भगवान इसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा नाटक। आशा सुनो, एक प्रसिद्धि याद आती है, 100 साल तक तपस्या की है, देवी शिदार का जो दृश्य निकले हैं, तपस्वी पूछता है देवी वैकुंठ जा रहे हो, हाँ नारायण से पूछना, मैंने 100 साल तपस्या की है, मेरा आगे के लिए क्या प्रबंध किया है। देवी को ही नहीं भगवान को लगा तपस्वी के अंदर उत्कृष्टता का अभिमान बोल रहा है, ये अभिमान क्या है, देवी सचरूप बहुरूपिया है, बड़े रूप धारण करके तो ये हमारे ऊपर आक्रमण करता है, इसे छूटना बहुत कठिन, छोटा अभिमान बड़ा अभिमान होता तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए ऐसा मानता हूं तपस्वी का अभिमान तो बड़ा अभिमान है। तपस्या जो अभिमान को मारने वाली है, इसके अंदर अभिमान बढ़ गया है तो मैं ऐसे अभिमान को बड़ा अभिमान कह रहा हूं। देवर्षि नारद को भी यही लग रहा है कि ये इसका अभिमान बोल रहा है, भगवान को भी ऐसा ही लगा, ये तपस्वी मेरे से ही हिसाब किताब कुछ मांग रहा है। इतना ही संदेश दिया मेरी माता और सज्जनों, अभिमान की परिभाषा इतनी ही याद रखना, जहां आपको तनिक भी लगे कि मैं किसी भी ढंग से किसी से सुपीरियर हूं, उत्कृष्ट हूं और दूसरा घटिया लगे, समझ लेना आप अभिमान की चपेट में हो, कभी नहीं भूलना। बच्चों से लेके बड़े तक, छोटे साधक से लेके बड़े साधक तक, कभी नहीं भूलनी ये बात। संतों महात्माओं ने बड़ी खोज के बाद परिभाषा निकाली है, जहां आपको ये पता लगे अमीरी का अभिमान तो गरीब के सामने अमीर, उत्कृष्टता का अभिमान सौंदर्य का, सामने कोई कुरूप है काला है गोरे रंग का है, शक्ल वजह बहुत अच्छी है किसी की घटिया है, किसी भी ढंग से आपके अंदर सुपीरियरिटी आए, अनुभव हो उसका, सुप्रीमेसी का एक्सपीरियंस अनुभव हो, उत्कृष्टता आए, सामने वाला निकृष्ट दिखाई दे, घटिया दिखाई दे, तो समझे ना आपके अंदर अभिमान काम कर रहा है, आप अभिमान की चपेट में आगे हुए हो। भगवान ने आज यही सोच के मात्र इतना ही संदेश भेजा है, समय हो गया है साधकजनों, संदेश सुन लो, बाकी की चर्चा कल करेंगे। लगता है ये तपस्वी मेरे से हिसाब किताब मांग रहा है, देवऋषि इतना ही कहना उसे, जिस चट्टान पर बैठ के 100 साल आपने तपस्या की है, आज चट्टान कह रही है मैं 100 साल तेरे ऊपर बैठूंगी तो मेरा हिसाब किताब चुकता होगा, आगे की बात फिर करेंगे।
आज मात्र इतना ही संदेश उस तपस्वी को देना, कल से वह चट्टान तेरे सिर के ऊपर बैठेगी जिस पर तूने बैठ के 100 साल तपस्या की है। ये चट्टान तेरे ऊपर 100 साल बैठ के तो अपना हिस्सा किताब लेना चाहती है। कल करेंगे आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।